दांत बिल्कुल सफेद होने चाहिए, अगर सफेद हैं तभी हेल्दी हैं, ऐसा नहीं है। आपका दांत जो होता है उसकी शेड आपके कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से डिसाइड होती है, एंड इट शुड बी हेल्दी, नॉट वाइटर ऑलवेज, नॉट ऑलवेज वाइटर टीथ आर हेल्दियर देन अ नॉर्मल टीथ। Hello everyone, this is Vidushi and you are watching the Good Health Show, and today we are going to talk about dental health. दांत उतने ही इम्पोर्टेंट है जितनी हमारी ओवरऑल हेल्थ, एंड उसी के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अनुराधा सिंह। हेलो मैम, कैसे आप? मैम वेलकम टू द शो। मैम बहुत अच्छी हूँ। मैम दांतों की जो हेल्थ है बहुत सारे लोग जो है वो इग्नोर कर देते हैं, एंड बाद में बहुत रियलाइज होता है कि काश पहले ध्यान दिया होता इस पर। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, और बहुत मुझे लगता है कि आज अवेयर होंगी हमारी ऑडियंस इस इंटरव्यू के बाद। तो मैं पहला क्वेश्चन मेरा यही है कि हाउ इम्पोर्टेंट इज द ओरल हाइजीन, ओरल हमारी जो डेंटल हेल्थ है वो कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एंड व्हाट आर द इफेक्टिव वेज टू मेंटेन गुड ओरल हेल्थ? सी, ओरल हेल्थ itself is not limited to oral cavity itself. It affects your general health, general well-being a lot. So it is very much important for you to maintain a proper oral hygiene and oral health regularly. And coming to the second question, you just asked how, what are the most effective ways. The first and foremost step to maintain a proper oral hygiene is you have to brush twice daily regularly, once after the dinner and once after the breakfast. Okay, and second thing, you have to change your toothbrush regularly within a span of 3 months, and you have to visit your dentist regularly within a span of 6 months. Okay. Or at least 1 year, if 6 months is not important for you. Mm-hmm. Brushing and flossing regularly is very much important. मैम क्वेश्चन एक और माइंड में आता है कि क्या साइंस एंड सिम्टम्स हैं हमारी गम डिजीज को लेकर, अगर हमारे दांतों में या फिर हमारी गम में हमें ऐसा क्या देखने के लिए मिलेगा या फिर क्या महसूस होगा कि हमें पता लगेगा देयर इज समथिंग रॉन्ग? सी, देयर आर टू मोर मोस्ट कॉमन डेंटल डिजीजेस और ओरल डिजीजेस व्हिच आई थिंक 90% ऑफ पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम। द फर्स्ट वन इज केरीज, जिसे लेमैन लैंग्वेज में हम टूथ डीके भी कहते हैं। दांतों में कीड़े लगे, so the first sign that you can notice on your tooth is a small black spot on the tooth surface. Mm-hmm. That often goes unnoticed kyunki aapko initial stages mein when it is confined to the enamel, the dead surface, aapko pain nahi hota hai. Okay. And you think ki theek hai, ye harmless hai, let it go. Mm-hmm. But aisa nahi hai, later it can propagate to the deeper surface and that may cause a complication of the disease. Okay. Mm-hmm. And you the usse jo treatment process hai wo bhi complicated ho jata hai, costlier ho jata hai. So the first thing, whenever you notice a small black spot on the tooth surface, you should visit a dental clinic. Okay. Coming to the gum disease, जिसे हम dentistry के language में periodontitis कहते हैं और gingivitis कहते हैं. Coming to the gum disease, we can notice some foul pus discharge from your gums. Then swollen gums, which the normal contour जो आप gingiva का देखेंगे तो एक proper scallop margin आपको दिखेगी अपने gingiva की या gums की. Okay. In a diseased gum, वो proper scalloping जो होती है वो missing होती है. जो नाइफ एज अपीयरेंस होता है आपके जिंजाइवा का वो मिसिंग होता है। देन कमिंग टू द कलर, जो नॉर्मल कलर होता है पिंकिश होता है जिंजाइवा का या गम्स का। आपके जो डिजीज जिंजाइवा होती है, जहाँ पे कोई आपको बीमारी है अगर गम्स की, तो वहाँ पे उसका वो कलर मोर रेडिश हो जाएगा। दैट इज एन अ साइन ऑफ सिम्टम ऑफ पेरिओडोंटाइटिस और जिंजाइवाइटिस। इन दैट केस यू शुड कंसल्ट अ डेंटिस्ट। जैसे अगर हमारे दांतों में ब्लड भी निकलने लग जाता है, yes. है ना, और जो हमारे गम होते हैं जैसे आपने बताया कि रेड और बहुत ही डार्क कलर हो जाता है, मरून कलर का कलर हो जाता है, इनफैक्ट मुंह से स्मेल भी आने लग जाती है, तो ये भी सारे yes, these all are symptoms of periodontitis or your gum diseases. So, जैसा आप मुंह के स्मेल के बारे में आपने कहा, हैलिडोसिस कहते हैं हम उसे, और दैट इज ऑल्सो इंडिकेटिव ऑफ योर गम डिजीज। Bleeding gums is a very important sign of your gum disease, which we can notice while brushing your teeth, जब हम spit करते हैं या फिर when we bite on some hard surface, तो बहुत ही slight provocation होता है वो, उस slightest of provocation पे आपका gum bleed नहीं करना चाहिए normal condition में, but in case of pathological condition it will bleed. In that case you should consult your dentist as early as possible. Okay. मैम अगर डाइटरी हैबिट्स की बात करें, हमारे खाने पीने की कोई ऐसी चीजें जो हमारी ओरल हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं, मतलब हमें ऐसा क्या कंज्यूम करना चाहिए जिससे कि हमारी जो दांत है, जो हमारे गम है वो स्ट्रॉन्ग रहे?
से लाइक ओवरऑल हेल्थ जहाँ हम डाइट की बात करें तो योर डाइट शुड बी रिच इन विटामिंस एंड प्रोटीन्स एंड मिनरल फॉर ओरल हेल्थ ऑल्सो ओके स्पेशली विटामिन सी इज वेरी मच एसेंशियल फॉर योर गम हेल्थ बिकॉज इट हेल्प इन कोलेजन सिंथेसिस मिनरल्स फॉस्फेट्स कैल्शियम दीज ऑल थिंग हेल्प इन मिनरलाइजेशन ऑफ टीथ तो आपको दूध घी चीज फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल क्रंची फ्रूट्स क्रंची वेजिटेबल्स आपको बाइट करने चाहिए रेगुलरली नाउ इट इज हमारी जो फूडिंग हैबिट हो गई है काफी सॉफ्ट के साइड में शिफ्ट होती जा रही है हमारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के जमाने में लोग गले चूस लिया करते थे बट आज माएँ बड़े आराम से मैगी बना के बच्चों को दे देती हैं जो प्रॉब्लम इससे आ रही है वो ये आ रही है कि देयर इज अ लिगामेंट कॉल्ड पेरिओडोंटल लिगामेंट विच कनेक्ट्स योर टूथ विद द बोन सर्फेस ओके उसकी एक्सरसाइज बहुत जरूरी है सिंस वी आर नॉट बाइटिंग ऑन द हार्ड फूड जल्दबाजी में हम सॉफ्ट फूड जस्ट गल्प करके माएँ भी आजकल बिजी होती हैं मिक्सी में जस्ट ग्राइंड किया बच्चों को पिला दिया और निकल दिया इससे वो पेरिओडोंटल लिगामेंट आपके सही से डेवलप नहीं हो पाते हैं और दांत आपके कमजोर होते हैं एंड दैट्स द रीजन कि बहुत ज़्यादा लॉन्जिविटी नहीं रह रही है आजकल दांतों की सो यू हैव टू बाइट ऑन रॉ फ्रूट वेजिटेबल्स एंड ईट डाइट विच इज रिच इन विटामिंस एंड मिनरल्स ओके मैम अगर बात करें मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन की डेंटल हेल्थ को लेकर आपके सामने आप बहुत टाइम से इस फील्ड में हो तो आपने काफी देखा होगा कि बहुत लोग कुछ मिथ्स रखते हैं दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन कई सारे ऐसे पॉइंट्स आए हैं विद इन जब मैं स्टूडेंट थी तब से मैं ये फेस कर रही हूँ सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी बिगिनिंग कहाँ से स्टार्ट करें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने नोटिस की है कि ये मिथ है लोगों में कि प्रेग्नेंट लेडीज शुड नॉट ब्रश योर टीथ रेगुलरली बिकॉज उसका असर बच्चों के दांतों पे पड़ेगा बच्चों के दांत गिर जाएंगे लेडीज दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग ये कई औरतें मेरे पास व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट आई थी मैंने देखा कि उनकी ओरल हाइजीन बहुत ही पुअर है क्यों क्योंकि उनकी सासू माँ ने मना कर दिया बेटा ब्रश मत करो वरना बच्चे के दांत कमजोर हो जाएंगे तो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग इन फैक्ट द प्रेग्नेंट लेडी शुड टेक केयर ऑफ हर ओरल हाइजीन in a more better way than a normal person because if some problem develops some pathology develops we cannot give her that intervention the proper intervention which should be given apart from the second trimester agar third trimester mein ya first trimester mein koi problem aati hai so we cannot give her the antibiotic we cannot perform all the surgeries on her so she should take care of her oral health in a much better way than normal person और इससे बच्चे के दांत सिर्फ और सिर्फ मजबूत बनेंगे कमजोर नहीं बनेंगे अगर सेकेंड एक और मिथ जो मैंने देखा है स्केलिंग से मेरे दांत कमजोर हो जाएंगे आप मुझे ये बताइए नहाने से आपका शरीर कमजोर होता है That's absolutely wrong, gentlemen. ऐसा कुछ नहीं होता स्केलिंग से आप वो जो वाइब्रेशन हम यूज करते हैं दैट्स अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन और उससे सिर्फ आपका जो कैलकुलस है दैट गेट्स डिसलॉस्ड All that can happen, थोड़ा सा micro irregularities आ सकते हैं tooth surface पे, which will be polished by the dentist then and there, और आपके दांत बिल्कुल smooth हो जाते हैं और इससे आपके दांत सिर्फ और सिर्फ मजबूत ही बनेंगे कभी भी scaling से आपके दांत कमजोर नहीं बनेंगे तीसरा एक important myth मैंने सुना है कि बच्चों को जो deciduous दांत जिनके हैं उनको उनकी केयर करने की जरूरत नहीं होती है इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग कई माओं को मैंने कहते सुना है कोई बात नहीं दूध के दांत गिर जाएंगे दूसरे आ जाएंगे बट जो ध्यान देने वाली बात वो है ये है यहाँ पे कि योर परमानेंट टूथ जर्म लाइज जस्ट बिनीथ दैट डेसिडुअस टूथ और अगर बाय एनी चांस द इन्फेक्शन स्प्रेड्स फ्रॉम द डेसिडुअस टूथ टू द परमानेंट टूथ जर्म दैट विल कॉज अ परमानेंट डैमेज क्योंकि भगवान आपको सिर्फ दो बार दांत देते हैं और अगर उस दूसरे वाले दांत में भी इन्फेक्शन लग गया तो थर्ड सेट आपको आर्टिफिशियल लेना होगा अपने डेंटिस्ट ये भी बिल्कुल गलत है इसके अलावा कई सारी चीजें हैं जो हमने देखा है जैसे दांत बिल्कुल सफेद होने चाहिए अगर सफेद है तभी हेल्दी है ऐसा नहीं है आपका दांत जो होता है उसकी शेड आपके कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से डिसाइड होती है एंड इट शुड बी हेल्दी नॉट वाइटर ऑलवेज नॉट ऑलवेज वाइटर टीथ आर हेल्दियर देन अ नॉर्मल टीथ और भी कई चीजें हैं जो अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रही है शायद डिस्कशन में बीच में आएंगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगी मैम जैसे अभी आपने बताया था कि हमें 6 महीने में एक बार डेंटिस्ट को विजिट करना चाहिए 6 नहीं तो 1 साल में तो करना ही चाहिए तो अगर हम ये नहीं करते हैं तो हमें ऐसा हो सकता है कि अगर हम अपनी हेल्दी दांत को फील कर रहे हैं कि हाँ दांत जो है वो बिल्कुल ओके है तो हमें जरूरत नहीं है डेंटिस्ट के पास जाने की इसीलिए बहुत सारे लोग नहीं जाते हैं तो क्या इसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है